रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। देखिए सच क्या है महोबा जनपद में। ब्रेकिंग न्यूज, एक तरफ सरकार ने ग्रामीणों के लिए घर घर पेयजल समस्या के निदान के लिए हैडम्प लगवाए गए हैं, फिर भी दबंगों के ऑफिस प्रकार बुलंद है कि वह समरसेबल डाकर मौत को दावत दे रहे हैं। कोई बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीण काफी परेशान है। 11,000 लाइन के तार उतार कर आज दिन वही घटना का इंतजार कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट, किस प्रकार से डीपी के तार जोड़कर मौत को दावत दे रहे हैं, बिजली विभाग कर रही अनदेखा। पावर हाउस बात करने के बाद पावर हाउस लाइनमैन के बीच बताया गया कि सीट डाउन है, ना कोई सीट डाउन, सिट डाउन, तो बस दबंगों के कारण लाइनमैन को मजबूरी में लिया जाता है। महोबा जनपद के ग्राम मझलवाड़ा, बिजली की बड़ी लापरवाही। हेलो हेलो हेलो, श्रीनगर पावर हाउस से बात हो रही है? हाँ, श्रीनगर पावर हाउस हो रही है। नमस्कार सर। नमस्कार, पवन रावत बोल रहे हैं सर? हाँ रावत बोलो सर। क्या सिट डाउन है क्या सर बिजली में? कहाँ का ये मझलवाड़ा गांव के लिए सिट डाउन कौन सी देन में आता है? सियारी लेने के लिए भर रहे हैं सर। सियारी जी सर जी, मझलवाड़ा। हाँ सिट डाउन लिए मिथुन सियारी लेने के लिए। आओ जी, मझलवाड़ा गांव सियारी में पड़ता है सर। आओ सर, तुम मझलवाड़ा गांव की केस उड़े हुए हैं दो ढाई घंटे से। सिट डाउन तो लिए मिथुन, मिथुन का फोन नंबर है आपका? नहीं सर, मेरे पास तो नंबर नहीं है। नंबर सर अगोतरा है, जरा नंबर हो सके है सर? नंबर कई बजे से नहीं है लाइट सर? दो घंटे से फेस उड़े हुए हैं, दो घंटे से। टाइम बताओ ना कई बजे से सर? अब ये 4:30 बज रहा है, मतलब वही मान लीजिए ढाई बजे का लगभग। नहीं एक टाइम बताओ, 3 बजे क्योंकि रोस्टिंग हुई थी। नहीं सर, 3:45 बजे। हाँ सर, 3:45 भी बस सकती, 3:45 भी हो गया होगा, ढाई का मेरा अनुमान है। वो 3:45 बजे रोस्टिंग किया था। अच्छा सर, बात समझे आप जी। तो रोस्टिंग चल रही 3 से 5। अच्छा सर, तो लाइट नहीं होगी, लेकिन अगर इससे पहले लाइट थी तो सही है फेस? नहीं सर, फेस उड़ी हुई है मेरी जानकारी में। जानकारी में है तो ठीक है, उनको बता देते हैं अगर वो होगा सर। तो नंबर यदि कन्फर्म याद कर दें तो बड़ा ही मान कर पाऊंगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, मझलवाड़ा में ना जी सर। जी नंबर कितना सर मिथुन का? अभी फोन में बात कर रहे हैं, इसी में है उसका नंबर सर। निकाल लीजिए तो बात करके मैं बता देता हूँ, परेशान ना जी सर।